नमस्कार। साल 2016 के करीब बिटकॉइन की प्राइसेस अचानक से तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज का बूम आने लगा, जिसमें बिटकॉइन और बाकी करेंसीज की प्राइस काफी तेजी से बढ़ने लगी। दिसंबर 2015 में एक बिटकॉइन की प्राइस 30,000 रुपीज थी, जो कि दिसंबर 2016 तक लगभग डबल हो गई। उसके बाद जून 2017 तक ये प्राइस 1.5 लाख तक चली गई और दिसंबर 2017 में तो ये प्राइस करीब करीब 8 लाख रुपए हो गई। 6-6 महीनों में लोगों का रिटर्न दुगना और 3 गुना होने लगा। इसे देखकर बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इन रिटर्न्स को देखकर तो वो काफी फैसिनेट भी हो गए, और आपने देखा होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने भी इसी टाइम पीरियड में एक्साइट होकर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह था कि बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे लोगों को तब पता चला जब उसकी प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चली गई थी। शुरुआत में बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता था, और फिर जिन लोगों को पता था और जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला। लेकिन जो लोग देरी से इस बिटकॉइन बूम में एंटर हुए उनको कुछ खास फायदा नहीं मिला, और कुछ को तो काफी लॉसेस भी हुए। अब जब ये बिटकॉइन क्रेज चल रहा था तब बहुत सारे स्कैमस्टर्स ने इसका फायदा लेने के बारे में सोचा। ऐसे ही एक था अमित भारद्वाज, जिसने लोगों को बताया कि आप मेरी कंपनी गेन बिटकॉइन में एक बिटकॉइन सबमिट कर लो, यानी जमा करो, और उसके बदले में मैं आपको कुछ टाइम पीरियड बाद 1.8 बिटकॉइन दूंगा। उसने लोगों को ये भी कहा कि चाइना में मेरा बहुत बड़ा माइनिंग का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। लोगों ने उस पर भरोसा किया और अपने बिटकॉइन उसके पास जमा किए। बाद में वो बिटकॉइन लेकर भाग गया और बाद में अरेस्ट भी हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी के इस बूम में ऐसे कई सारे स्कैम सामने आए, लेकिन इसी पीरियड में डॉक्टर रुजा इग्नातोवा ने एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में सोचा कि कैसे वो इस क्रिप्टो करेंसी बूम का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकती है, और वो भी बहुत ज्यादा फायदे के लिए। तो चलो देखते हैं कि डॉक्टर रुजा ने ये स्कैम कैसे किया। डॉक्टर रुजा इग्नातोवा बेसिकली बल्गेरिया से थी, जिसने यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम में जाकर अपनी कंपनी फॉर्म की, और उसके बाद वो इन्वेस्टर्स और लोगों को बताने लगी कि उसने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी बनाई है जो आगे चलकर बिटकॉइन से भी बड़ी बनेगी। रुजा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद उसने पीएचडी कंप्लीट करके मैकिंजी के साथ काम किया था। रुजा की प्रोफाइल और उसका विजन देखकर लोग वन कॉइन में इन्वेस्ट करने लगे। रुजा ने लोगों को बताया कि वन कॉइन एक बहुत ही सेफ क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो केवाईसी भी करते हैं ताकि लोग इल्लीगल कामों के लिए वन कॉइन का इस्तेमाल ना कर पाए। वन कॉइन को प्रमोट करने के लिए रुजा अलग अलग जगह पर इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस करने लगी। वो लोगों को बताने लगी कि वन कॉइन बिटकॉइन से भी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनेगी और आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनेगी। वो लोगों को बताती थी कि 2 साल बाद दुनिया में कोई भी बिटकॉइन के बारे में बात नहीं करेगा। अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की फ्यूचर में बात होगी तो वो सिर्फ वन कॉइन रहेगा। वन कॉइन की मदद से ही लोग अलग अलग जगह पर पेमेंट भी कर पाएंगे। तो वो लोगों से कहने लगी कि आप भी इस रिवोल्यूशन का पार्ट हो जाइए और वन कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। वन कॉइन को प्रमोट करने के लिए रुजा ने 4 इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस किया। पहला है हाइप। उसने क्रिप्टो करेंसी और वन कॉइन के अराउंड एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की कि कैसे वन कॉइन आगे चलकर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा और हर कोई सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी यूज करेगा जो कि वन कॉइन होगी। उस टाइम बिटकॉइन की वजह से क्रिप्टो करेंसीज पहले से ही ट्रेंड में चल रही थी, और इसी बीच वन कॉइन की भी बातें होने लगी जिससे लोग इस हाइप पर विश्वास करने लगे। दूसरा पॉइंट था फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारे लोगों को बिटकॉइन के बारे में तब पता चला जब उसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, और क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी इसलिए जो लोग बाद में एंटर हुए उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला। इसलिए रुजा लोगों को बताने लगी कि अगर आप शुरुआत से ही वन कॉइन का पार्ट बनोगे तो आगे चलकर जब बहुत सारे लोग वन कॉइन को ज्वाइन करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा। तीसरा पॉइंट था सेफ्टी। रुजा लोगों को बताने लगी कि वन कॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती है जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा सेफ है, और सेफ्टी के बारे में किसी को सोचने की जरूरत भी नहीं है। और चौथा पॉइंट वो लोगों को बताती थी कि फॉर्च्यून, कि कितना ज्यादा पैसा अब बहुत ही कम टाइम में वन कॉइन की मदद से कमा सकते हो। इसके साथ ही वो अपने कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स होते थे उनमें बड़ी बड़ी बातें बताती थी। रुजा के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते थे उसके क्लिप्स लोगों को दिखाई जाती थी। साथ ही वन कॉइन ने एक बार फोर्ब्स मैगजीन में पेड प्रमोशन किया था, तो उसको एडिट करके उन्होंने ऐसा दिखाया कि रुजा को फोर्ब्स मैगजीन ने कवर पेज पर रखा है, और साथ ही उसके एफर्ट्स को प्रेज भी किया है। इन सारी चीजों को देखकर लोग तुरंत इन्फ्लुएंस होने लगे और वन कॉइन में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से छूट जाए। एक्चुअली वन कॉइन की रियलिटी ये थी कि वो एक्चुअल में कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, वो बस कुछ फेक कॉइन्स थे। यानी वन कॉइन का जो मेन प्रोडक्ट था वही फेक प्रोडक्ट था, बाकी क्रिप्टो करेंसीज की तरह उसमें कोई माइनिंग वगैरह नहीं होती थी। रही बात वन कॉइन के प्राइस में हो रहे चेंजेस के बारे में, तो उसे मैनिपुलेट करके प्रोग्राम किया गया था, और उसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को जो सेफ्टी की श्योरिटी दे रही थी वो भी झूठ थी, क्योंकि वन कॉइन के लिए कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही थी। उसके लिए वो नॉर्मल एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे थे जो कि क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं।
अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और माइनिंग के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारा ये वीडियो 3 मिनट 13 सेकंड से आगे देख सकते हो। तो वन कॉइन की प्राइस, वन कॉइन की माइनिंग, वन कॉइन एक प्रोडक्ट, ये सारी चीजें ही फेक थी। वो बस फेक कॉइन लोगों को एलोकेट कर रहे थे और बदले में उनका पैसा ले रहे थे। और हैरत की बात तो ये थी कि क्विक रिटर्न्स के पीछे लोग भी इतने ग्रीडी हो गए थे कि उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में समझना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। रुजा को पता था कि अगर उसे अपने स्कैम को तेजी से आगे बढ़ाना है और जल्द से जल्द बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो उसे इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कुछ अलग करना होगा। और इसलिए उसने वेबिनार करना स्टार्ट किया ताकि वो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के लोगों तक पहुंच पाए। साथ ही उसने दुबई, लंदन और कई सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर बड़े बड़े इवेंट्स करना शुरू किया। वनकॉइन के जो इवेंट्स होते थे वो बहुत ही बड़े इवेंट्स होते थे जिसकी वजह से भी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट करने लगे और वनकॉइन में इन्वेस्ट करने लगे। तो रुजा की सिंपल स्ट्रेटेजी थी, पहले तो दिखावा करो और उसके बाद चीजों को बेचो। उसने बहुत सारे वेबिनार्स, इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस के जरिए लोगों को वनकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए कहा, जिसके बाद बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से लोग इन्वेस्ट करने लगे, जैसे कि चाइना, यूके, साउथ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज एटसेट्रा। इवन इंडिया के भी कई सारे लोगों ने वनकॉइन में इन्वेस्ट किया था। जनवरी 2016 टू जून 2016, इन 6 महीनों के अंदर ही चाइनीज लोगों ने करीब $500 million वनकॉइन में इन्वेस्ट किए थे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी तेजी से लोग वनकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे थे। अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में तो लोगों ने अपने एनिमल्स और फार्म्स बेचकर इस स्कीम में इन्वेस्ट किया ताकि वो जल्दी बहुत सारा पैसा कमा पाए। दूसरा सबसे बड़ा हथियार जो रुजा ने यूज किया वो था MLM, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। रुजा को पता था कि अगर वनकॉइन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो उसका बेस्ट ऑप्शन है MLM, जिसके जरिए वो लोगों को कमीशन देकर इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएगी। तो उसके लिए उसने सबसे पहले जो MLM के टॉप लोग हैं, दैट इज MLM इन्फ्लुएंसर्स है, उनकी एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें उसने बहुत सारे जो बड़े बड़े MLM इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें बुलाया और फिर उसने उन्हें बताया कि कैसे वनकॉइन के जरिए वो बहुत ज्यादा पैसा बहुत क्विक टाइम में कमा सकते हैं। साथ ही रुजा वनकॉइन को MLM के जरिए प्रमोट करने के लिए उन लोगों को ज्यादा कमीशन भी देने लगी। ज्यादा कमीशन के लालच में आकर उन MLM इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी जो भी सेल्स पीपल की टीम है, यानी अपनी जो डाउनलाइन है, उन्हें वनकॉइन को प्रमोट करने के लिए कहा और फिर वनकॉइन एक आग की तरह फैल गया। बहुत सारे लोग वनकॉइन को इस MLM स्कीम के जरिए मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स कमाने लगे और रुजा का प्लान काम कर गया। और इन सारी चीजों का रिजल्ट ये था कि रुजा के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आने लगी, मिलियन डॉलर में नहीं बल्कि बिलियन डॉलर्स में। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स वनकॉइन को प्रमोट कर रहे थे वो भी यही सोच रहे थे कि वनकॉइन सही में एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। उन MLM इन्फ्लुएंसर्स ने उन्हें जो कमीशन मिला था उसमें से भी कुछ पार्ट वनकॉइन में इन्वेस्ट किया था ताकि उन्हें वहां से क्विक रिटर्न मिल पाए। लेकिन उनको ये चीज पता ही नहीं थी कि जिस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ही फेक है। रुजा ने अपने वनकॉइन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ये वादा किया था कि जल्द ही वो एक एक्सचेंज खोलेगी जहां पर लोग वनकॉइन के बदले में कैश ले सकते हैं। लेकिन इस एक्सचेंज की ओपनिंग लगातार डिले हो रही थी और लगातार हो रही इस डिले की वजह से लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा था कि क्या वनकॉइन एक फेक प्रोडक्ट तो नहीं है। और इन सारे कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए रुजा ने अक्टूबर 2017 में पुर्तगाल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहां पर वो लोगों के सारे कंसर्न सॉल्व करने वाली थी, साथ ही वनकॉइन एक्सचेंज की डेट भी डिक्लेयर करने वाली थी ताकि लोग अपने वनकॉइंस को कैश में कन्वर्ट कर पाए। तो इस इवेंट में बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि रुजा कब आएगी और उनके कंसर्न सॉल्व करेगी। इवेंट का टाइम हो गया लेकिन रुजा वहां पर नहीं आई। जनरली रुजा टाइम पर ही पहुंचती थी लेकिन इस बार उसने डिले कर दिया था, तो लोगों को लगा कि शायद वो जल्दी आ जाएगी। आधा घंटा बीत गया, एक घंटा बीत गया, फिर भी रुजा नहीं थी। फिर लोग वनकॉइन के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे उनसे पूछने लगे लेकिन उनसे भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वहां पर कोई नहीं था। धीरे धीरे सारे लोग जाने लगे और फिर ये चीज पता चली कि रुजा से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद लोगों का टेंशन और कंसर्न दोनों बढ़ गए। और बाद में ये खबर आई कि रुजा भाग गई है। इस इवेंट के 2 हफ्ते बाद ही रुजा ने सोफिया से एथेंस के लिए फ्लाइट ली थी और उसके बाद रुजा का कोई भी अता पता नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तो ये भी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग वनकॉइन में लगातार इन्वेस्ट कर ही रहे थे। आगे चलकर जब ये पूरा मामला सामने आया तो लोगों को पता चला कि उन्होंने जो अपनी मेहनत की कमाई वनकॉइन में इन्वेस्ट की थी वो सारी की सारी डूब गई है। जिन लोगों ने MLM के जरिए इसमें इन्वेस्ट किया था वो अपने MLM इन्फ्लुएंसर्स को इसके बारे में पूछने लगे। बाद में हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए और पब्लिक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस स्कैम की साइज करीब $5 बिलियन थी, यानी करीब 35,000 करोड़ का ये स्कैम हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की पूरी जमा पूंजी डूब गई। इतने सारे पैसों से रुजा ने बल्गेरिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी थी, साथ ही उसने यच और कई सारी प्रीमियम चीजें खरीदी थी। बाद में FBI एजेंट्स ने रुजा के भाई कॉन्स्टांटिन इग्नातोव को US में ही अरेस्ट कर लिया, जिसको इस फ्रॉड के मामले में 90 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही FBI ने
रुजा पर सिक्योरिटी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए हैं, लेकिन अभी मार्च 2020 तक रुजा के बारे में किसी को भी पता नहीं चला है। इंडिया में भी कुछ लोग अपनी MLM स्कीम के जरिए वनकॉइन को प्रमोट कर रहे थे, जिन्हें इंडियन पुलिस ने बाद में अरेस्ट कर लिया था। तो सवाल ये आता है कि रुजा ने बड़े आसानी से इतना बड़ा स्कैम कैसे किया। तो उसका पहला रीजन है कि क्रिप्टो करेंसी एक नया एरिया था और इसलिए उस पर कोई खास रेगुलेटर नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कैम्स उसमें होने लगे थे और ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पोंजी स्कीम, जो लोगों को जल्दी रीच होने का लालच देती है और फिर उन्हें फंसाती है। ये जो पोंजी स्कीम्स है, ये पुराने जमाने से चली आ रही है, बस फर्क ये होता है कि प्रोडक्ट बदलता रहता है। तो इसका सलूशन ये है कि जब तक लोग फाइनेंशियली अवेयर नहीं होंगे और इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि क्विक मनी जैसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है, तब तक ऐसे स्कैम्स चलते ही रहेंगे। ये तो एक स्कैम है, ऐसे कई सारे स्कैम फाइनेंशियल अवेयरनेस ना होने की वजह से हुए हैं। रुजा ने लोगों के जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें पकड़ लिया और उसका पूरा फायदा लिया। उसने लोगों के ग्रीड का पूरे इस्तेमाल किया और जब तक लोगों की सारी चीज़ें पता चली, तब तक रुजा गायब हो चुकी थी। तो इस तरह रुजा ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी स्कैम किया। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कोई इंपॉर्टेंट सीख मिली होगी। ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों से अलर्ट रहे। और आप सभी को फिनोवेशंस की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली के पर्व पर हमारे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 33% ऑफ है, तो इस ऑफर का आज ही जरूर फायदा लें। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।